नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कोई भी काम करता है तो वो अपने काम को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें पहले से मालूम ना हो कि ये काम अपने लिए कर रहे हैं तो शायद हम कहीं उस काम को करने में थोड़ी सी गुंजाइश रख सकते हैं। लेकिन अगर मालूम हो कि ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं तो हमें उस काम को करने में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिनको सुन करके आपको ज़रूर लगेगा कि अगर हम अपने लिए कुछ काम करते हैं तो हमें बेहतर से बेहतर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो बहुत मेहनत से अपने सारे काम को करता था। वो अपने लाइफ में जितने भी काम उसने करे थे पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ किए थे। आज उसके रिटायरमेंट का दिन था, आज वो रिटायर होने वाला था। शाम को उसका जो है रिटायरमेंट था। सुबह उसको पता चलता है, उसके जो मालिक होते हैं, उसके जो बॉस होते हैं, वो उससे कहते हैं कि आज आपको एक काम और करना है। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है दोस्तों कि मैंने सारी ज़िंदगी अपने बॉस के लिए इतना बेहतरीन ढंग से काम करा है, मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, और आज जब मेरा रिटायरमेंट का दिन है, आज मैं रिटायर हो रहा हूँ तो भी मुझे एक काम सौंपा जा रहा है। उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। तो पूछता है अपने बॉस से कि सर क्या काम है। तो बॉस कहते हैं कि आज आपको एक घर बनाना है, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे घर का निर्माण किया है, जाते जाते एक घर आप और बना दीजिए बिना किसी मन के। उसने वैसे तो पूरी लाइफ अच्छे से काम करा था, लेकिन आज रिटायरमेंट के दिन उसकी इच्छा नहीं थी। उसने कहा आज मैं रिटायर होने वाला हूँ, फिर भी उसे काम मिल रहा है, तो उसने अनिच्छापूर्वक वो काम को करने में लग गया और वो काम करता गया, उसने काम को कंप्लीट कर दिया। फिर अपने बॉस से आके कहता है सर मैंने काम कंप्लीट कर दिया, आप जाके इसको देख लीजिए। बॉस उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको एक की देते हैं। तो पूछता है कि ये कैसे की है, मैं की का क्या करूँगा। तो उसके बॉस कहते हैं जो आज आपने ये घर बनाया है ना, ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा था आपके रिटायरमेंट पर। ये सुन करके उस कर्मचारी को, उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ होती है। जानते हैं दोस्तों क्यों तकलीफ़ होती है? क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक से एक आलीशान घर बनाए थे, लेकिन आज उसके रिटायरमेंट के दिन जब उसको काम करने के लिए कहा गया तो उसने सोचा कि मैं कितना काम कर चुका, आज मेरे रिटायरमेंट का दिन है, तो उसने कहीं ना कहीं उस काम को लापरवाही से करा। और उसने सोचा कि अगर मुझे पहले से मालूम होता कि ये मैं घर अपने स्वयं के लिए बना रहा हूँ तो मैंने वैसे तो इतने अच्छे घर दूसरों के लिए बनाए थे, मैं इस घर को और बेहतर तरीके से बना सकता था। तो मैं इस कहानी से केवल एक ही चीज़ सीखना चाहिए हमें कि लाइफ में हमें अगर मालूम होगा अपने लिए काम कर रहे दोस्तों, जहाँ की पढ़ाई की बात है या करियर बनाने की बात है, तो हमें पता होता है कि अगर हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे तो इससे केवल किसका लाभ होगा, केवल व केवल हमारा लाभ होगा। तो हमें तो पता है, उस कर्मचारी को नहीं पता था कि वो घर अपने लिए बना रहा है, लेकिन दोस्तों आपको तो पता है, दोस्तों हम सभी को पता है, हम कुछ लाइफ में बेहतर करेंगे तो हम अपनी लाइफ को संवारेंगे। तो क्यों ना जब हम जानते हैं कि हमको अपने लाइफ के लिए काम करने हैं तो उसको हम पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से ही क्यों ना करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर किसी मोटिवेशनल कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।